हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल रैशनल पर्क्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज़ द करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर क्लास 12 फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम। सो बेसिकली इस वीडियो में हम जो कवर करने जा रहे हैं वो है बीकॉम, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉस्ट मैनेजमेंट एंड अकाउंटेंट। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये वीडियो केवल कॉमर्स स्ट्रीम्स के लिए नहीं है, ये वीडियो साइंस स्ट्रीम्स वाले और साइंस स्ट्रीम्स वालों के लिए भी, अगर वो आफ्टर क्लास 12 कॉमर्स फील्ड में जानना चाहते हैं तो। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि वो जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं उसमें कॉलेज करना अच्छा नहीं है, बट इफ़ यू आर गेटिंग अ गुड मार्क्स इन क्लास 12 एंड इफ़ यू आर स्कोरिंग गुड परसेंटेज इन क्लास 12 और यू आर गेटिंग गुड कॉलेज, देन गाइज प्लीज़ टेक एडमिशन इन अ रेगुलर कॉलेज। बट इफ़ यू डोंट वॉन्ट अ टेक, देन प्लीज़ टेक एडमिशन इन डिस्टेंस, बट टेक एडमिशन इन ग्रेजुएशन, बिकॉज ग्रेजुएशन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, देर इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर ग्रेजुएशन फिल। और अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में कि कॉमर्स के बाद हमें क्या क्या प्रोफेशनल कोर्सेज मिलते हैं जो कि कॉमर्स ऑफर करता है। सो बेसिकली तीन प्रोफेशनल कोर्स होते हैं जो कॉमर्स हमें ऑफर करता है आफ्टर क्लास 12, दैट इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉस्ट मैनेजमेंट एंड अकाउंटेंट। तो बेसिकली अगर हम बात करें चार्टर्ड अकाउंटेंट की, इनका काम क्या होता है, तो बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम ये होता है कि वो किसी भी अकाउंटिंग फील्ड को मैनेज कर सकते हैं एंड दे कैन गो इन टैक्सेशन फील्ड, वो किसी भी कंपनी की ऑडिट कर सकते हैं। सो बेसिकली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम होता है वो कंडक्ट कराते हैं ICI, जिसे हम ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भी कहते हैं। सो बेसिकली इसमें तीन एग्जाम्स होते हैं, द फर्स्ट वन इज़ फाउंडेशन, जिसमें आपके चार पेपर्स देने होते हैं एंड इफ़ यू क्लियर योर फाउंडेशन एग्जाम देन कम्स ये इंटर, जिसमें दो ग्रुप्स होते हैं और इस ग्रुप्स में फोर पेपर्स होते हैं एंड इफ़ यू क्लियर योर ग्रुप वन एंड ग्रुप टू देन यू आर एलिजिबल फॉर CA आर्टिकलशिप। और अगर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है तो आप दोनों ग्रुप को एक साथ दे सकते हो, अदरवाइज आप एक ही ग्रुप करके भी दे सकते हो। और अगर आपने आर्टिकलशिप का फीस कंप्लीट कर लिया है देन आप उसके बाद आता है हमारा CA फाइनल्स का एग्ज़ाम, जिसमें भी दो ग्रुप होते हैं। और अगर आप चाहें दोनों ग्रुप को एक साथ देना तो आप दोनों ग्रुप एक साथ दे सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें सिंगल ग्रुप एक बार में देना तो आप एक ही करके दोनों ग्रुप दे सकते हैं। एंड इफ़ यू क्लियर योर ऑल एग्ज़ाम तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, बट ये इतना ईजी नहीं होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम और इसे क्रैक करना बहुत ही मुश्किल वर्क होता है। एंड नाउ बेसिकली जो CA का जो एग्ज़ाम होता है वो एक साल में दो बार ही होता है, डेट इज़ इन मई एंड नवंबर, और जो उसके रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं वो होते हैं जुलाई एंड जनवरी के टाइम में। और CA आर्टिकलशिप की अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें अगर आप फाउंडेशन से हैं तो इसके लिए आपको CA इंटर का कोई एक ग्रुप क्लियर करना होगा, अगर इफ़ इट इज़ ग्रुप वन, अगर आपने ग्रुप वन भी क्लियर करा तो भी आप CA आर्टिकलशिप के लिए एलिजिबल होते हैं, या फिर अगर आपने ग्रुप टू भी क्लियर करा हो तो भी आप CA आर्टिकलशिप के लिए एलिजिबल होते हैं, या फिर अगर आपने दोनों ही ग्रुप क्लियर करा है तब तो कोई बात ही नहीं है। और अगर आप डायरेक्ट एंट्री से हो तो ग्रेजुएशन के बाद आपको 9 महीने का आर्टिकलशिप करना होता है एंड देन यू हैव टू गिव योर CA इंटर एग्ज़ाम। और जो CA आर्टिकलशिप का जो टोटल टाइम ड्यूरेशन होता है वो 3 साल का होता है, और अगर आपने ये 3 साल का CA आर्टिकलशिप कर लेते हो देन आपको फाइनल एग्ज़ाम देना होता है, और जिसमें दो ग्रुप्स होते हैं एंड ईच ग्रुप्स कंटेन 4 पेपर्स। नाउ नेक्स्ट कम ऑन कंपनी सेक्रेटरी। सो कंपनी सेक्रेटरी का जो बेसिकली ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो कंडक्ट कराते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। सो बेसिकली अगर हम बात करें व्हाट डज अ कंपनी सेक्रेटरी डू, तो जितने भी लॉ के जो कंप्लायंसेस होते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, ये सारे जो काम होते हैं ये कंपनी सेक्रेटरी देखते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक कॉर्पोरेट के बारे में जो सबसे चीफ एडवाइज़र का वो काम करते हैं, और कि जितने भी कंपनी में लॉ के जो रेगुलेशंस होते हैं इन सबों को देख रेख जो भी करना होता है वो एक कंपनी सेक्रेटरी का वर्क होता है। सो बेसिकली इसमें भी मेन जो होते हैं 3 एग्ज़ाम्स होते हैं, द फर्स्ट वन जो पहले जो होते थे वो CA फाउंडेशन होता था, बट अभी वो चेंज हो गया है, अब यहाँ पे होता है CSEET, इट मीन्स कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। सबसे पहले आपको ये क्लियर करना होगा, देन उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव एग्जाम। एग्जीक्यूटिव में भी दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप वन एंड ग्रुप टू, एंड ईच ग्रुप कंटेन 4 पेपर्स। और उसके बाद से आपको 2 साल का इंटर्नशिप होता है,
अगर आप चाहें तो एग्जीक्यूटिव के बाद भी इंटर्नशिप कर सकते हैं, अदरवाइज आप प्रोफेशनल की एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट सीए से इसमें थोड़ा सा अलग होता है, इसके प्रोफेशनल्स में 3 ग्रुप्स होते हैं एंड ईच ग्रुप्स कंटेन 3 पेपर्स। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट कॉस्ट मैनेजमेंट एंड अकाउंटेंट, तो ये बेसिकली ये जो होता है ये इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट कराते हैं इसके सारे एग्जाम्स जो होते हैं। और इसमें भी बेसिकली 3 मेन्स एग्ज़ाम होते हैं, द फर्स्ट वन इज़ फाउंडेशन, एंड इफ़ यू क्लियर योर फाउंडेशन एग्जाम देन यू आर एलिजिबल फॉर CMA इंटर। और इसमें भी 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, एंड ईच ग्रुप कंटेन 4 पेपर्स। और उसके बाद से आता है आर्टिकलशिप का फेज इसमें, तो इसमें आपको 6 मंथ का आर्टिकलशिप आफ्टर क्लियरिंग CA इंटर एग्ज़ाम। इट इज़ मस्ट कंपल्सरी कि आप 6 महीने का आर्टिकलशिप करो एंड देन यू आर एलिजिबल फॉर CMA फाइनल। और CMA फाइनल में भी 2 ग्रुप्स होते हैं, और ईच ग्रुप कंटेन 4 पेपर्स। अगर हम बात करें व्हाट डज अ CMA डू, तो CMA का बेसिकली जो काम होता है वो होता है फाइनेंस को एनालिसिस करना, उसकी प्लानिंग करना, कि उसकी बजटिंग करना, उसकी फॉरकास्टिंग करना, और कंपनी की या फिर जो बिजनेस है उसका इंटरनल कंट्रोल कैसा है, उसकी प्रोफेशनल एथिक्स कैसे हैं, ये सारे जो काम होते हैं वो एक CMA के अंडर आते हैं। और बेसिकली आपको ये 3 एग्ज़ाम्स क्रैक करना होगा। और अगर हम बात करें इन प्रोफेशनल कोर्स की, तो मैक्सिमम इन सारे कोर्स को करने में 5 ईयर्स तो लग ही जाते हैं। इफ़ यू आर सो इफ यू थिंक यू आर सो कैपेबल एंड हार्ड वर्किंग, सो अगर मिनिमम टाइम की बात करें, अगर आप जल्द से जल्द ये सारे एग्जाम्स क्लियर कर लेते हो तो आपको 5 ईयर्स तो कहीं ना कहीं लगते ही हैं। बट इफ़ यू डोंट क्रैक योर एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटैम्प्ट, तो उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है इसमें। सो प्रोफेशनल कोर्स बहुत अच्छा कोर्स होता है एंड यू रियली अर्न वेरी गुड अमाउंट। और कहा जाता है कि कोई ऐसा ये प्रोफेशनल कोर्स ऐसा होता है कि जिसमें आप कभी खाली नहीं बैठ सकते, आप खुद का या तो फॉर्म खोल सकते हैं, खुद की प्रैक्टिसिंग कर सकते हैं। सो प्रोफेशनल कोर्सेज आर रियली वेरी गुड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।